हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एमसी हिम की तरफ से। तो इनका जो सॉन्ग है जेद, उसका ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हो चुका है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है फिट बाबू की तरफ से। तो इनका भी एक गाना रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है ये है कश्मीर, और ये भी ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो के साथ में आया हुआ है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है बाली की तरफ से। तो बाली ने अपने इंस्टाग्राम पे ये फोटो डाला हुआ था, और जिसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था पहले तो सबको हैप्पी होली, दूसरा ये अगली वीडियो की पिक्चर है। साथ ही अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है स्टार निक की तरफ से। तो स्टार निक की जो एल्बम आने वाली है उसका उन्होंने छोटा सा टीज़र रिलीज़ किया हुआ है, और आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है यावर म्यूज़िक की तरफ से। तो यावर का भी आज एक गाना रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है लुक एट मी, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है रॉप्सी की तरफ से। तो रॉप्सी और सेट्टी सा का हमको जल्दी कोलैब सॉन्ग देखने के लिए मिलने वाला है। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है एमसी डीप की तरफ से। तो इनकी जो ईपी है उसका उन्होंने एक पोस्टर रिलीज़ कर दिया है जिसका नाम है अलाइव, और आप देख सकते हो अब इसकी रिलीज़ डेट कंफर्म नहीं की हुई है कि ये कब तक रिलीज़ होगा। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो मैंने आपको पिछली वीडियो मतलब कि डाली हुई है अपने चैनल पे जिसमें कि एमसी स्टैन लाइव आए हुए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसमें उन्होंने उनके जो अनरिलीज सॉन्ग हैं उनका भी पिक्चर दिखाया हुआ था, उनके बहुत सारे अनरिलीज सॉन्ग हैं। साथ ही उसके बाद एमसी स्टैन फिर से लाइव आए हुए थे, और उन्होंने बात की एमईवे के बारे में, बंटाया रिकॉर्ड के बारे में, तो आप खुद देख सकते हो। के कहा सब पूरा जाता ब्रो, अलग लड़के का सीन मैं देखता ब्रो की लाइव में आता मैं पढ़ किधर कुछ ब्रो, समझ रहे मालूम था जैसा रिकॉर्ड आया ना लेने डायरेक्ट वन टाइम रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड में सामने ले क्या बोला मेरा से सारे फैंस के मेरे बात नहीं आया यार, बोले यार तब भी कौन है सम पर मैं कुछ नहीं करने का। इसके बाद एमसी स्टैन ने एक और स्टोरी डाली हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे, जिस पे कि उन्होंने लिखा हुआ था जो भी बोलते एमसी स्टैन ने मेरे को गाली दिया, लेकिन ये नहीं बोलते कि एमसी स्टैन ने मेरे को गाली क्यों दिया, हैशटैग एड़े चाले करो भी मत। अगली जो न्यूज़ अब आ रही है एमईवे की तरफ से। तो एमईवे डिवाइन नेजी जो मतलब कि रेड बुल इंडिया का जो शो हो रहा है उसको जज करने वाले हैं। तो रेड बुल इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोज़ फोटोज़ डाले हुए हैं जिसपे कि नीचे उन्होंने लिखा हुआ है दीज लीजेंड नीड टू इंट्रोडक्शन मीट द जजेज ऑफ रेड बुल स्पॉटलाइट ऑन MX। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।